हेलो सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं उसे बोलो सर, आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे ये पार लाइट्स। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन सी पार लाइट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये है स्टैंड की पार लाइट्स। और एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी दुर्गा पूजा की, मैं आपको बात करूँगा, जिसमें इंडिया के अंदर जलपाईगुड़ी में यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा जो है वो बनाया गया था। बेसिकली दुबई वाला बुर्ज खलीफा की एक छोटी कॉपी बनाई गई थी, वहाँ पे इन्हीं लाइट का यूज़ करा गया था। काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाली है। वहाँ की वीडियो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, Google पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी मिल जाएगी। एक फोटो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से था वो यहाँ पे पूरा बुर्ज खलीफा, उनमें ही लाइट का यूज़ करा गया था। स्टैंड की Q7 लाइट्स को यूज़ करा गया था। अभी मैं आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग पूरी डिटेल होने वाली है, मज़ा आने वाला है, टेस्टिंग भी देखेंगे, कनेक्शंस भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं इन लाइट्स की अनबॉक्सिंग। यहाँ पे आपको बॉक्स पैकिंग में स्टैंड की जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं और इसको यहाँ पे करता हूँ तो कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन रहेगी। अगेन स्टैंड Q7 जो है वो यहाँ पे मॉडल नंबर जो है वो मेंशन करा गया है। कुछ वेटिंग भी यहाँ पे सेम वही डिटेल्स के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये कोने पे भी जो है वो स्टिकर मेंशन करा गया है Q7 पार XLR C43 जो भी इनकी कोडिंग है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से मैं फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो खोलते के साथ में मुझे यहाँ पे मिलता है ये पेपर वर्क, और इस पेपर वर्क में क्या क्या डिटेल्स हैं आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक के, पीछे का भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये पेपर वर्क है, इसको भी आपको संभाल के रखना है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम में आ जाता है। हमारी जो कि पावर लाइट्स हैं वो यहाँ पे हो जाती हैं। 4 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 लाइट आपके एक ये पैक हो जाते हैं। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलती हैं, सो एक स्टैंड आपको मिल जाता है। बेसिकली दो रहते हैं, एक स्टैंड मतलब एक लाइट के ऊपर ये आपका, ठीक है ना। तो इसके साइड के जो कि आपको बोल्ट्स होते हैं ये हैंडल ग्रिप वाले, ये मिल जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चलिए ये है इसके अंदर का कॉन्टेंट। अभी मैं ये सब चीज़ें फिट करके जोड़ जाड़ के आपको दिखाता हूँ हमारे लाइट की क्वालिटी। तो दोस्तों अभी आपको देखने को मिल जाती है पार लाइट की क्वालिटी। अगेन यहाँ पे यूज़ करे गए हैं इसके अंदर 60 LEDs। हर एक LED की पावर की बात करूँ तो यहाँ पे 3 वाट की जो है वो LED यूज़ करी है। 3-in-1 LED हम इसे कहते हैं, RGB जिसे हम कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं Q7 स्टैंड की अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग है। थोड़ा सा और जूम मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने के करने की। तो ये है स्टैंड की अगेन ब्रांडिंग Q7 यहाँ पे जो है वो मेंशन करा जाता है। इस पे भी जो है वो स्टैंड अगेन BIS मार्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी होती है वो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काफ़ी हाई हो जाती है। यानी गवर्नमेंट के जो BIS मार्क ये बेसिकली दिया जाता है, ये एक सेफ्टी जो होता है वो आपको मार्क देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपके पास ये जैसे कि मैंने आपको एक्सेसरीज दिखाई थी तो ये अटैचमेंट कुछ इस प्रकार से रहेगी, तो आप इसको इस तरीके से जो है वो रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और सामने से दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको ये पूरा व्हाइट देखने को मिलता है। इसमें ही अंदर जो है वो LEDs हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे से लेंसेज होते हैं। बेसिकली इसके लाइट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को जो है वो और इम्प्रूव करने के लिए इनको लगाया जाता है। तो फ्रंट पर आपको ये बोल्ट्स भी देखने को मिल रहे होंगे। ये वेंटिलेशन साइड से भी दिया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये एल्यूमिनियम चेसी बनाई जाती है। अगेन क्योंकि LED है तो हीटिंग ज़रूर होती होती है, तो उसको जो है वो यहाँ पे कूलिंग रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए भी यहाँ पे इनका यूज़ में लिया जाता है। बाकी ये वेंटिलेशन साइड में भी दिए जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और टाइट कर देता हूँ मैं, हल्का टाइट करा था मैंने, ठीक है अब मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। तो ये जो है वो साइड में भी वेंटिलेशन दिए गए हैं। अगेन जैसे कि मैंने बताया ना, LEDs काफ़ी ज़्यादा हीट करती हैं, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये साइड वेंटिलेशन भी हर जगह जो है वो बना रखे हैं। पीछे के अगर डिटेल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं मिल जाते हैं ये 4 वायर्स। अब इन 4 वायर्स में आपको 2 जो है वो तो ये प्लग वाले मिलते हैं। अगेन मैं श्योर हूँ इनके साथ में कि आपको ये जो क्वालिटी मिल रही है वो मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो फिनिशिंग है प्लग की, यहाँ पे ये जरी जरी सी चीज़ पे यार, मतलब होता है ना कि यार आपने चलिए लाइट तो बना दी है बढ़िया, लेकिन यार ये वायर की क्वालिटी होती है, प्लग की क्वालिटी होती है, अगर वहाँ पे भी अगर आप कंजूसी करेंगे या फिर कुछ ना कुछ ख़राब अगर आप दे देंगे तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं अच्छी को उनको भुला के आप वहाँ पर उस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देते हो। तो ये जो है वो वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको लाइक दिस, इसकी आप फिनिशिंग देखिए, ये देखिए, मतलब वाकई में यार गजब है यार, मतलब लगता है कि हाँ कुछ कंपनी ने यहाँ पे काम करा है, ठीक है ना।
और वायर की यहाँ पे जॉइंट्स पे भी जो है वो क्वालिटी अलग है इसकी। मैं मार्केट के काफ़ी लाइट्स को जो है वो ट्राई कर रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में भी लगी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसमें नया हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच के ही आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। पीछे बाकी यहाँ पे इसके जो एक्सएलआरस हैं, बेसिकली ये एक्सएलआरस भी आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया है। अगेन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जूम आ जाए, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं अभी इनके अंदर क्या काम करा गया है कि इनको इस मटेरियल से बनाया गया कि ये जो है वो यहाँ पे ड्यूरेबल रहे, टूटे ना। अगेन अगर लाइट गिर जाती है या फिर इस पर कोई पैर रख देता है या फिर गलती से आपने इसको मारा भी जोर की, तो होता क्या है कि एक्चुअल में एक्सएलआर जो होता है वो ब्रास जो होता है, एक मेटल होता है, उससे ज़्यादातर जो है वो बनाया जाता है। अगर नॉर्मली अगर मार्केट में देखेंगे तो ये है, सॉरी ये है यहाँ पे। मैं इसको अगेन यहाँ पे देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना वो यहाँ पे आती है यार दोस्तों। मतलब वायर की क्वालिटी आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो ये है इसकी फिनिशिंग। बैक साइड की अगर डिटेल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये एक जो है वो LED डिस्प्ले मिलती है। बेसिकली इसमें आपको सारे नंबर शो करेंगे और जो भी आप प्रोग्राम करते हैं, बेसिकली चाहे आप DMX से चलाएं या फिर पायलट से चलाएं, किसी से भी चलाएं, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे ये पेपर वर्क को आपको संभाल के रखना है, तो ये जो पेपर वर्क है बेसिकली ये इसी के काम में आने वाला है। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स बताई गई हैं। इसमें आपको बस मेन्यू अप डाउन एंड एंटर के बटन देखने को मिलते हैं। अगेन यहां पे आपके पास अगर ये वायर का अगर आप यूज नहीं कर सकते, बाय चांस हट गई है वायर, कट गई है, तो यहां पे आपके पास सारी डिटेल जो है वो मेंशन रहेगी। नंबर वन ग्राउंड रहता है, दो डाटा माइनस डाटा प्लस जो है वो यहां पे डिटेल में रहेगा, कितने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, वो सारी डिटेल जो है वो मेंशन रहेगी। इन एंड आउट के लिए यहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी का हो जाता है। तो ये है इसका दोस्तों बेसिकली बैक साइड, और इसके जितने भी स्पेयर्स पार्ट्स हैं उसके लिए भी मैं एक आपको लास्ट में जो है वो चीज़ बताऊंगा कि हाँ एक्चुअल में स्टैंड का जो स्पेयर पार्ट्स है या फिर आफ्टर सेल सर्विस है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल में ये है दोस्तों लाइट का पूरा लुक, जैसे मैंने आपको साइड वेंटिलेशन दिखाया था वो यहाँ पे, तो ये हो जाती है दोस्तों पूरी लाइट की क्वालिटी। चलिए और भी डिटेल जो है वो हमारी इस लाइट की वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इन लाइट्स की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अगेन दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे जो मटेरियल इसके अंदर यूज करा गया है वो काफी प्रीमियम है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे सारी चीज तो खैर टेस्टिंग पे आपको मालूम चली जाएगी ये एक्चुअल में कैसे काम कर रही है। और यहाँ पे एक चीज जैसे कि मैं बताना भूल गया आप सभी को कि वो है इसकी वायर की लेंथ, वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये है इसकी वायर की लेंथ, और दोनों में अलग अलग वायर यूज करा गया है। दोनों में अलग अलग वायर यूज करने का मतलब क्या है कि एक जो XLR वायर होती है ये सिग्नल वायर्स होती हैं, इनके लिए एक स्पेशल वायर बनाई जाती है अलग, बिजली वाली वायर्स वो सेम टू सेम नहीं लगता है, उनमें 3 पोल होता है और बिजली वाली वायर में आपके 2 पोल या 3 पोल भी यूज करा जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये शील्ड वाली वायर होती है जो कि आप ये सिग्नल वाली वायर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों में अलग अलग वायर्स का यूज करा गया है, अगेन इस चीज का ध्यान दिया गया है। तो वायर की आप जो है वो लेंथ यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये लेंथ रहती है, तो काफी ज्यादा लंबी लेंथ है, कहीं पे भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी कि वायर आपने अलग से बाहर से अटैच करने की आपने जरूरत लगे, तो ऐसी कभी भी आपको जरूरत इसके साथ में नहीं मिलेगी। बाकी हैवीपन की मैं बात करूँ वेट की, तो काफी ज्यादा हैवी है क्योंकि इसकी जो कि चैसी है अगेन काफी ज्यादा थिकनेस में अच्छी खासी है। और हीट जैसे कि मैंने बताया ना कि LED काफी ज्यादा हीट भी करती है, उसके लिए यहाँ पे जो कूलिंग है वो काफी अच्छी है। फैंस अगर आप देखेंगे तो फैंस भी अंदर है, बोर्ड्स यानी इसके PCB भी यहाँ पे पूरे पूरे टाइट माउंटेड करे गए हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में कभी कभार होता क्या कि आपने ये भी चीज़ वो देखा होगा, अगर हम पार्लर्स मंगवाते हैं तो कुछ ना कुछ लूज तो 100% होता है, लेकिन इनके साथ में नहीं था। प्लस यहाँ पे जितना भी इसके अंदर मेटल यूज करा गया वो सारा हाई क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी, अगेन मटेरियल क्वालिटी अगेन गुड है। सो अभी रहता है यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ। हर एक LED जैसे मैंने बताया 3 वाट के इसके अंदर यूज करी है, 60 LEDs का इसके अंदर यूज करा गया है। हर एक LED RGB है यानी 3-in-1 जो है वो LEDs के अंदर यूज करी गई है। ओवरऑल दोस्तों अभी चलते हैं हम टेस्टिंग देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं और कैसे इसकी लाइट की क्वालिटी है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कनेक्शंस की, और मैं कोशिश करता हूँ आपको हर एक पार लाइट या फिर शार्पी लाइट या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी एम्पलीफायर हो, कोई भी स्पीकर हो, कनेक्शंस आपको पूरे आए या पूरे मालूम चले। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्शन सबसे पहले जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले पहला लाइट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रकार से मैंने इस प्रकार से जो है वो लगा रखा है, ठीक है ना। 4 लाइट्स को मैंने लगा रखा है, जैसे कि आप सबको पता है कि एक बॉक्स में 4 पीस आते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे ये लाइट है, बेसिकली ये थोड़ी लूज है, इसको अगेन थोड़ा टाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गई, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बिजली वाले को स्टार्ट कर लेते हैं। यह आउटपुट है, ये एक जो है वो हमारी यहाँ पे बिजली वाले पे लग जाएगी, ठीक है ना।
ये वाले को हमको यहाँ इनपुट देना है, तो मैं यहाँ पे इसको ये इनपुट दे देता हूँ, सॉरी ये रही वायर यहाँ की इनपुट की, तो ये वाली मैं इनपुट यहाँ दे देता हूँ। अब ये यहाँ तो मैंने दे दिया, अब मेरे को और आगे पैच करना है, तो मैं यहाँ से ये वाली वायर को यहाँ दे दूँगा, ठीक है ना। ये वाली हो जाती है, ये वाली सीधे जाएगी कहाँ हमारे, ये वाली दोनों वायर इनपुट एंड आउटपुट के लिए, ये देखिए ये जाएगी यहाँ DMX पे, ठीक है। ये DMX हो गया, ये हो गई हमारी पावर केबल जो कि हम यहाँ डाल देते हैं थोड़ा हैवी प्लग में, ठीक है ना, पावर केबल हो गई। चलिए अभी जो कि इसके अंदर की सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सेटिंग के लिए, अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल रही है, लेकिन अभी DMX के लिए कंट्रोल लाने के लिए हमें कौन सी सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये है मेन्यू अप डाउन एंड एंटर, तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये मेन्यू में क्लिक करना है। ये मेन्यू में जैसे आप क्लिक करते जाएंगे नंबर यहाँ से चेंज होते जाएंगे, ये बी हो गया, ये देख सकते हैं ये एफ सी डी बदलते जाते हैं, डर बदलते हैं, आपको लाना है यहाँ पे ए पे, ठीक है ना। ए पे लाने के बाद आपने इसको कर देना है 001 पे, किसी में डी भी लिखा होता है किसी में ए भी लिखा होता है, तो ये आपने एंटर प्रेस कर देना है। ऐसे ही सारी शार्पी पे आप देख लेते हैं, ये देख सकते हैं मैं ए पे लाके इसको सेट कर देता हूँ, लाइक जैसे एंटर यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट से, ए 12 चले गया, ये 511 एंटर, एंड दी लास्ट वन इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी लाइटें जो हैं वो बंद हो गई हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, ये सारी लाइटें बंद हो चुकी हैं। अब हम ऑन करते हैं अपना DMX, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। अब अपने ये ऑन करने के बाद स्कैनर से नंबर 1 को प्रेस करना है, यहाँ पे ये नंबर 1 को प्रेस करना है, और 1 और 2 के फेडर को आपने एक साथ उठाना है, और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल चुकी है, तो ये है इसका पूरा कंट्रोल, ठीक है ना। यहाँ पे ये उठाने के बाद आपने कलर चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ये सारे कलर चेंजिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। हाँ पायलट होता है या फिर आपके पास मिनी पल होता है, बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर मिलते हैं, आप जो है वो पूरी सेटिंग्स बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में ये जो ब्लिंक है ये है पूरा का पूरा ब्लिंकर, भी आप इसको बना सकते हैं, लाइट की पावर इतनी ज़्यादा है, खैर 4 लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये देख सकते हैं सामने आप खड़े नहीं हो सकते, बाहर आ गए आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कि थ्रू है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए मैं इस पे भी कर देता हूँ, ये बिल्डिंग मतलब ये घर जो भी हैं ये आप देख लीजिए क्या एक्चुअल में क्वालिटी आ रही है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ये लाइट्स की पूरी ये देखिए, ये यहाँ पे आपको मिल जाती है। चलिए मैं और थोड़े से कलर चेंज जो है वो कर देता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ और डाल देते हैं, ये देखिए वाइट आ जाता है, ये देखिए ब्लू एंड वाइट, यहाँ पे ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। सो इस प्रकार से जो है वो आप पूरा इसका मज़ा ले सकते हैं, और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं ये ब्लिंक बोल रहा था, कलर भी आप इसके अंदर चेंज जो है वो कर सकते हैं। मैं जैसे कि कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कलर चेंज जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। ये मेरे फेडर के साथ साथ ये देख सकते हैं रेड, बहुत तगड़ा, मतलब कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा जो है वो तगड़ी है इसकी। अगेन स्टैन है यार, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी लोग बोलेंगे कंपैरिजन्स की, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस पार्लर्स के अंदर मार्केट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो लास्ट में आपको एक चीज़ मैं जो है वो बता के ज़रूर जाऊँगा, तो वेट करिएगा। ये देख लीजिए पूरी ये बिल्डिंग से लेके यहाँ तक ये किस प्रकार से जो है वो रोशनी यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है ना। ये है दोस्तों यहाँ पे इसकी क्वालिटी, वो लाइट में स्ट्रीट लाइट है बेसिकली, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसकी लाइट को भी यहाँ पे काट रहा है, ये देखिए उसकी लाइट वाइट लाइट है, उसकी लाइट को भी यहाँ पे काट रहा है, तो सोच सकते हैं कि एक्चुअल में हाँ ये क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है ना। ये है, ये DMX से मैं चला रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे ये DMX जो है वो मैं नीचे कर दूंगा, तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लाइट की चेंजिंग मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाती है, यही सारी चीज़ें जो है वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, तो कोई कंपलसरी नहीं कि DMX ही लेना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रो लेवल में जाना चाहते हैं तो DMX मिनिमम होता है, फिर उसके ऊपर मिनी बल आ जाता है, सॉरी पायलट आता है, फिर मिनी बल आता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऊपर की चीज़ हो जाती हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि मिनिमम आप एक DMX तो ज़रूर यूज़ करें, तभी मज़ा आता है लाइट्स के अंदर। फिलहाल में ये है टेस्टिंग,
अभी मैं आपको और भी डिटेल्स देता हूँ। तो दोस्तों कैसे लेके टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और जेन्युइनली बताना दोस्तों, वाकई में मज़ा आया नहीं आया। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों अब कि आपको पार लाइट में कैसे क्वालिटी पहचानी है, या फिर आपको किस टाइप की जो है वो पार लाइट लेनी चाहिए। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। पहले मैं भी यहाँ पे जब कह सकते हो कि यूट्यूब पे मैं नहीं था, या फिर आप कह लीजिए कि इतना कोई क्रेज़ नहीं था यार मतलब लाइट्स का, ठीक है एक पार लाइट लगा दी, ब्लिंकर लगा दी, बहुत है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे लेवल अप होता गया, यहाँ पे साउंड रेंटल में लेवल अप होता गया मैं ऊपर, तो वहाँ पे मेरे को ज़रूरत ये लगी कि यहाँ पे जब मैं स्टेज पे या फिर ट्रस पे जब लाइट लगा रहा हूँ, तो नॉर्मली जो मार्केट में जर्नल पार लाइट्स मिलती हैं तो उनकी वो रेंज नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं वो शिकायत ज़रूर आ रही थी, वो क्वालिटी में खो रहा था। प्राइजिंग अगेन मैं कह रहा हूँ 1500, 1600, 1700, 1800 ये मार्केट के जर्नल प्राइजेज हैं कि आपको इसमें मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी जो रहता है वो इनके 30% से 40% भी नहीं होता है। तो वो क्वालिटी जो है वो आप खो रहे हैं। प्राइसिंग खैर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। यहीं पर अगर मैं इन लाइट्स को लेता हूँ, डबल रेट पे भी लेता हूँ, मान के चलिए डबल रेट पे भी लेता हूँ, तो यहाँ पे 30% इनके हिसाब से वो मतलब इनके हिसाब से वो 30% चल रही है, लेकिन यहाँ पे 70% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे आपके आधे दाम और बढ़ाने पे। तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज होता है वो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आता है अगर आप एक्चुअल में इन लाइट्स को लेते हैं। तो वो दो लाइट और ये एक लाइट बराबर ही रहता है। और यहाँ पे स्टेज या फिर आप कहीं पे भी डेकोरेशन पे भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी तो बचत रहती है। लाइट्स की क्वालिटी है अगेन, लाइफ रहती है काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड लाइट्स की। बेस मार्क जैसे मैंने आपको दिखाया तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है किसी भी ब्रांड्स को, वो काफ़ी टेस्ट जो है वो करे जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसे मिलता है। बाकी यहाँ पे स्टैंड का अगेन नेम है, नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी को पता है कि हाँ क्वालिटी वाइज कैसा रहता है। ओवरऑल प्राइसिंग के लिए ये शोरूम आपको स्टैंड का कस्टमर केयर नंबर आप यहाँ से जाके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स मैं दे दूंगा, और आपके कुछ कमेंट्स, क्वेरीज कुछ भी हो नीचे आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी एक अच्छी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।